नाग पंचमी जो है नाग देवता के पूजने का त्यौहार मनाया जाता है अनादिकाल से। भारतीय राजनीति के सांप रूपी राजनेता और राजनेत्री सुलायम दो मुंह वाला सांप है। अखिलेश यादव विचित्र प्रकार का सर्प। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली मादा सांप। दिग्विजय सिंह सबसे जहरीला सांप। छायावत एक ऐसी मादा सर्प जो बदला लेने में पक्का विश्वास रखती है। राहुल गांधी शर्मिली व सुस्त प्रजाति का नर सर्प। क्षितिज कुमार बिहार में पाए जाने वाला सुशासन सांप। पालू प्रसाद यादव यह भी बिहार के गुमनाम जंगलों में पाया जाता है। सी चिदम्बरम यह पहले वित्त मंत्रालय की गलियों में रेंगने वाला लुंगी वाला सांप। विस्मृति ईरानी सुंदर प्रजाति की सास बहू वाली नागिन बीजेपी के सबसे बड़े नाक के साथ रासलीला में संलिप्त है। हाजनाथ सिंह टकला प्रजाति का सांप। केजरीवाल टेढ़ा प्रजाति का सर्प है जो जहरीला नहीं है। जोगी वाला सांप जो सिर्फ मुसलमानों को काटता है। नमो रूपी सांप पहले गुजरात में पाया जाता था अब दिल्ली के रेस कोर्स बंगले में रहता है। संघर्ष न्यूज। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं अमित मौर्य आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। नाग पंचमी जो है नाग देवता के पूजने का त्योहार मनाया जाता है अनादिकाल से। लेकिन भारतीय राजनीति में जितने राजनेता और राजनेत्री हैं वो भी आधुनिक युग के विषैले सर्पों की तरह। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है और इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। भारतीय राजनीति के सांप रूपी राजनेता और राजनेत्री सुलायम दो मुंह वाला सांप है। कब किस मुंह से काटे किस मुंह से फुफकारे पता नहीं। सीबीआई बूटी से इलाज संभव वर्तमान में स्वर्गवासी। अखिलेश यादव विचित्र प्रकार का सर्प जो हमेशा सवर्णों से घिरा रहता है और ट्विटर ट्विटर खेलता रहता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली मादा सांप सबसे जल्द भड़कने वाली आमतौर पर असंतुष्ट पाई जाती है पलट कर काटने में महारत। दिग्विजय सिंह सबसे जहरीला सांप जो आरएसएस की गंध पाते ही उग्र हो जाता है। छायावती एक ऐसी मादा सर्प जो बदला लेने में पक्का विश्वास रखती है। कुंडा के फाजा भैया इसके शिकार हो चुके हैं यह प्रायः पत्थर की मूर्तियों में लिपटी हुई पाई जाती है। राहुल गांधी शर्मिली व सुस्त प्रजाति का नर सर्प जिसका उम्र के साथ विकास नहीं हो पाया है। विलुप्त प्रजाति का उभयलिंगी सर्प। एनडी बीमारी प्राचीनतम प्रजाति का एक ऐसा सर्प जो एक समय में कई कई मादाओं के साथ पाया जाता रहा वर्तमान में यह भी स्वर्गवासी हो गया है। पार्निया गांधी सबसे बड़ी प्रजाति की महिला सर्प कुंडली मार पर बैठने की क्षमता एक बार में जमीन धन मुद्दे घोटाले निगलने की काबिलियत। क्षितिज कुमार बिहार में पाए जाने वाला सुशासन सांप इसके शिकार मिड डे मील के मासूम बच्चे हो रहे हैं और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और अभी हाल ही में इसने माझी का शिकार बड़े आराम से किया कुछ साल पहले। पालू प्रसाद यादव यह भी बिहार के गुमनाम जंगलों में पाया जाता है। इसका प्रमुख आहार चारा है गाय और भैंसों के तबेले में अक्सर देखा जा सकता है। सी चिदम्बरम यह पहले वित्त मंत्रालय की गलियों में रेंगने वाला लुंगी वाला सांप इसने भारतीय रुपए का ऐसा शिकार किया कि आज तक रुपया उठ नहीं पा रहा है। सम्मोहन सिंह पहले दिल्ली के रेस कोर्स बंगले में पाया जाता रहा अब 10 जनपद पर रहता है। स्वामिनी भक्त गुमसुम प्रजाति का सांप चुप रहने में महारत वर्तमान में विलुप्त हो गया है। आडवाणी पहले काफी उग्र विषैला सर्प था पर गुजरात वाले सपूरे ने इसका जहर के दांत तोड़कर घर पर बिठा दिया है। विस्मृति ईरानी सुंदर प्रजाति की सास बहू वाली नागिन बीजेपी के सबसे बड़े नाक के साथ रासलीला में संलिप्त रहती। हाजनाथ सिंह टकला प्रजाति का सांप जो काफी होशियार सांप है लेकिन अनाकोंडा के आगे बेबस। केजरीवाल टेढ़ा प्रजाति का सर्प है जो जहरीला नहीं है। जोगी वाला सांप जो सिर्फ मुसलमानों को काटता है और धर्म देकर कार्रवाई कराता है जो लखनऊ में रहता है। नमो रूपी सांप पहले गुजरात में पाया जाता था अब दिल्ली के रेस कोर्स बंगले में रहता है। इन सभी नाग नागिनों में सबसे जहरीला सांप जो उड़ उड़ कर काटता है और जो कहता है वो करता ही नहीं। तड़ीपार सांप यह भी गुजरात आया हुआ सांप है यह काफी सातवीं प्रजाति का सांप है। सरकार बदलना तोड़फोड़ करना जजों को मरवाना सब काम में महारत है ये और नमो दोनों मिलकर सारे देश को डस रहे हैं और जिसका जहर उतरने वाला भी वर्तमान समय में नहीं दिख रहा है।